दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी रिसेंट ही BTS की न्यू एल्बम प्रूफ रिलीज हुई और इसके साथ ही हम सभी ने BTS का न्यू सॉन्ग येट टू कम को भी सुन लिया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल और मेलोडियस सॉन्ग है। ये BTS के पिछले सॉन्ग की तरह बहुत ही ज्यादा रॉकिंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल डांस वाली सॉन्ग नहीं थी, पर ये एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल और एक रिलैक्सिंग सॉन्ग थी। इसके साथ ही दोस्तों, पूरी दुनिया ने BTS के इस सॉन्ग को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया। और जहाँ प्यार और सपोर्ट की बात आती है, वहाँ हमारा इंडिया किसी से भी कम नहीं। और अगर इंडिया की बात करें तो BTS की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग को देखकर हमारी ओल्ड आर्मी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि दोस्तों एक वक्त था जब कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता था कि BTS की कोई सॉन्ग आई भी है। पर आज एक ऐसा दिन आ चुका है जहां हमारा कंट्री BTS के लिए रिकॉर्ड्स और हिस्ट्रीज बना रहा है, और ये देखकर BTS की ओल्ड आर्मीज और न्यू आर्मीज दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश है। जी हां दोस्तों, इंडिया ने BTS की न्यू सॉन्ग येट टू कम को अनबिलीवेबल प्यार और सपोर्ट दिया। इतना ही नहीं, BTS के सॉन्ग येट टू कम को सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंट्रीज में हमारा इंडिया नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे है जापान। सॉन्ग के रिलीज होने के एक दिन बाद ही काफी सारे लिस्ट आए जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है, और ये देखकर लगता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब BTS इंडिया में अपना कॉन्सर्ट करेंगे और BTS के वर्ल्ड टूर की लिस्ट पे हमारा कंट्री का नाम भी शामिल होगा। क्योंकि दोस्तों, BTS भी उन कंट्रीज को अपने लिस्ट में सबसे पहले शामिल करते हैं जहां से उन्हें सबसे ज्यादा व्यूज मिलती है। और BTS की डायनामाइट बटर परमिशन टू डांस से तो BTS टॉप 10 पे नहीं बल्कि टॉप 1 या 2 पे इंडिया को देख रहे हैं। तो ये देखकर तो ये लगता है कि इस बार के वर्ल्ड टूर में हमें इंडिया का नाम भी जरूरी देखने को मिलेगा। और BTS ने तो अपने इंटरव्यू पे मेंशन भी किया था कि वो इंडिया पे अपना कॉन्सर्ट करने वाले थे, पर कोविड पैंडेमिक के वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं आर्मीज, उस वक्त नहीं तो क्या अब सही। हम यही होप करेंगे कि BTS की वर्ल्ड टूर में इस साल इंडिया भी जरूर ही शामिल हो। हालांकि BTS के येट टू कम सॉन्ग ने BTS के पिछले सॉन्ग्स की तरह रिकॉर्ड नहीं बनाए, पर फिर भी इस सॉन्ग ने ढेर सारा प्यार अपनी आर्मी से बटोरा और बेशक ये सॉन्ग एक मास्टरपीस है। तो दोस्तों, आपको BTS की न्यू सॉन्ग येट टू कम कैसी लगी? साथ ही इंडिया के बनाए हुए रिकॉर्ड्स आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।